सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज अपन लोग पहली बार खेलने वाले हैं पोकेमोन एक्स, वो भी 3DS में। तो अगर तुम लोगों ने पोकेमोन एनिमी देखी है तो तुम लोगों को पता होगा कि यार पोकेमोन क्या चीज़ है, क्योंकि यार पोकेमोन एनिमी वास्तव में सभी के बचपन की एक फेवरेट एनिमी रही होगी। आई होप सो, मेरी तो रही है यार। और मेरे को ये गेम भी खेलना था, इसलिए मैं खेल रहा हूँ। बाय द वे, ये सब चीज़ें तो तुम लोगों ने पहले भी देखी होगी अगर तुम लोगों ने पोकेमोन एनिमी देखी है तो, कि ऐसे अपन जब किसी गेम को स्टार्ट करते हैं तो ऐसे ही एक प्रोफेसर आते हैं और अपन लोगों को बार बार में यार पोकेमोन के बारे में बताते हैं। तो मैं इसको 2x पे सेट कर देता हूँ और फिर जल्दी से अपना कैरेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अपन लड़के हैं यार, तो लड़के के कैरेक्टर से खेल लेंगे। तो ये नाम पूछ रहे हैं तो गेमिंग सेशंस अरीना, अपना यही नाम रहेगा यार हर बार, तो यही नाम ओके कर देते हैं और अपना नाम सिलेक्ट हो गया है। तो अभी गेम को कंटिन्यू करते हैं। वैसे तुम लोगों ने अगर ये गेम पहले भी कभी देखा है, क्योंकि बहुत से लोग खेल चुके हैं यार और मैं अब खेल रहा हूँ तो मैं बहुत पीछे हूँ वैसे तो अगर तुम लोगों ने आई होप पहले देखा होगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो स्किप करने वाला हूँ। अभी ये देखो फ्लैचलिंग आ रही है और अपन को उठा रही है यार। ऐसा तो पोकेमोन एनिमी में सरीना के साथ होता था ना, और ऐसा अपने साथ हो रहा है। मतलब कुछ तो यार, अपन को बॉय का कैरेक्टर मिला है, फिर भी जो गेम की लाइनअप है वो गर्ल के कैरेक्टर जो कि सरीना थी उसके हिसाब से हुई है। तो अगर तुम लोगों को इसका पूरा वॉक थ्रू चाहिए, मतलब मैं कुछ पार्ट स्किप भी करूँगा और कुछ पार्ट में स्पीड भी बढ़ा दूंगा जिससे अपनी वीडियो ज़्यादा बड़ी ना जाए, तो अगर तुम लोगों को पूरा पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं अगला पार्ट पूरा पार्ट बना दूंगा यार। पर कमेंट जल्दी करना, क्योंकि फिर पता नहीं मैं पहले रिकॉर्डिंग कर लूँ। तो अभी ये मोम अपन को कह रही हैं कि जाओ और अपने कपड़े चेंज करो। ठीक है, तो अपने कपड़े चेंज करते हैं। पहले इन ड्रॉर में देख लेते हैं कुछ है क्या। इधर टीवी है, ठीक है। इधर ड्रॉर में आई डोंट थिंक कि इधर कुछ भी होगा यार। कपड़े तो अपने मिरर को देखने पर ही चेंज हुए, ये हुई ना बात। अभी आई ना ब्लू जैकेट, अच्छा फिर भी पजामा ही चेंज किया है अपन ने। बोलो गेम वाले क्या कहना चाहते हैं, कुछ भी कहो, मैं लग तो हैंडसम रहा हूँ यार इसमें। अच्छा, ये अपन को पड़ोसियों को हेलो करने के कह रही हैं, तो कोई बात नहीं है। अपन लोगों ने वैसे भी ऐसे गेम बहुत सारे खेले हैं मैंने, तो मैंने सोचा क्यों ना एक कंटेंट ही निकाल लिया जाए। हो सकता है मैं इस गेम को बहुत जल्दी कंप्लीट कर दूँ यार, क्योंकि मैं इसके ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मैं इसको जल्दी कंप्लीट भी करना चाहता हूँ। क्योंकि तुम लोगों ने बहुत बार देखा होगा यार गेम, तो तुम लोग भी बोर नहीं होगे। तो अपन लोग पहले तो सर स्टार्टिंग के जितने भी काम आते हैं वो सभी धीरे ही करेंगे, फिर थोड़े स्पीड करेंगे और बीच में पार्ट भी स्किप कर देंगे। तो बाहर आते ही अपन को मिली हैं सरीना और सोना। अभी इस टाउन का क्या नाम था मेरे को नहीं याद। ये अपन को कुछ कह रही हैं, आई थिंक हमें इन्हीं के पीछे जाना है इस साइड पर। तो अपन जल्दी से चलते हैं। उधर बाहर देखो यार, रायहोन था जो कि असल एनिमी अगर तुम लोगों ने देखी होगी तो उसमें अंदर रायहोन सरीना के पास था और उसकी मोम जो थी वो रायहोन रेसर थी एक। बाय द वे चलते हैं यार। ग्राफिक्स के अंदर तुम लोगों को क्वालिटी थोड़ी लो दिख सकती है, क्योंकि मैंने यार थोड़ा जूम इन किया है वीडियो को, जिसके कारण तुम लोगों को लग हो सकता है थोड़ा ग्राफिक्स और जो वीडियो है उसकी क्वालिटी थोड़ी कम लगे। तो तुम अपने हिसाब से यार YouTube पे एडजस्ट कर लेना। अभी सेव कर देते हैं एक बार। स्टार्टिंग किया है क्योंकि मैंने पहले भी दो बार खेला था और मेरी पावर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चली गई, तो मेरे को गेम तीसरी बार फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा है। ओह, किधर से बोल रहे हैं ये लोग, आगे नहीं, आगे नहीं है तो अपन को इधर जाना है आई थिंक। नहीं इधर भी नहीं है यार, अच्छा इधर है। ओह इधर पर तो वो तीनों भी बैठे हैं यार। अपन को सभी गेम के स्टार्टिंग में मिल चुके हैं यार, ट्रेनो, सोना, सरीना। अच्छा अपन को भी देखो सरीना के पास बिठा है यार। अच्छा ये अपना निक नेम देते हैं, मतलब जितने भी बंदे इनसे मिलते हैं फ्रेंड्स, तो अपन भी अपना निक नेम, मैं मेरा रियल नेम ही रख देता हूँ निखिल। अच्छा ये अपन को पोकेमोन यही देंगे। वैसे तो और सभी गेम में तो यार जो प्रोफेसर होते हैं, तो इस लीग के जो प्रोफेसर है उनका नाम है प्रोफेसर सिकामोर, तो
वो अपन को पोकेमोन देने वाले थे मेरे को ऐसा लगता है, पर ये लोग ही दे रहे हैं। तो अगर तुम लोगों ने पोकेमोन एनीमे नहीं भी देखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस गेम को तुम लोग देखो, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब तक अपन लोग इस गेम को पूरा कंप्लीट करेंगे तो तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा यार। बस तुम लोग को थोड़ा तो ऐसे समझना पड़ेगा, समझ जाओ। अपन लोगों को पोकेडेक्स में मिल चुका है। अपन लोगों ने वैसे फ्रोकी सिलेक्ट किया है क्योंकि जो एनिमी की लाइनअप है उसमें एस के पास यार फ्रोकी रहता है, तो अपन लोग भी वही सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, प्रोफेसर की तरफ से अपन को एक लेटर मिला है जो अपनी मोम को देना है अपन को। क्या हो सकता है उसमें? ये दोनों तो वेट ट्रेविस और टिराइनो जो भी नाम था उसका, अच्छे से प्रोनाउंस हुआ है या फिर नहीं हुआ है मेरे को नहीं पता। चलो अब जल्दी से चलते हैं। ओ सोना, अपन को आई थिंक अपन को ये चैलेंज करने वाली है सोना। कोई नहीं, करो। वैसे तो ये मेरे को नहीं लगता कि अपन को हरा भी सकती है यार, वैसे तो इसके पास भी एक पोकेमोन है, क्या पता कितने लेवल का हो। ओह फेनिकिन, ये तो हारेगी नूबड़ी है, ये तो हारेगी मेरे से पक्की बात है, क्योंकि अपने पास है वाटर टाइप पोकेमोन और उसके सामने अपने सामने जो आया है फेनिकिन वो है फायर टाइप पोकेमोन। तो एनिमे के हिसाब से और गेम के हिसाब से जो वाटर टाइप पोकेमोन होते हैं वो फायर टाइप पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं यार, मतलब अपने जो भी अटैक होंगे वो सुपर इफेक्टिव होंगे। और अगर तुम लोगों ने एनिमे देख रखी है पहले से तो तुम लोगों को ये तो पता ही होगा। ये तो नूबड़ी थी तो इसलिए जल्दी आ गई, और अपना फ्रोकी भी लेवल 6 पे हो चुका है। बहुत अच्छे यार, $500 भी दिए हैं यार इसने। तो इन गेम में अपन को डॉलर ऐसे ही मिलते हैं, अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं। तो अभी चलते हैं सीधे घर पे, क्योंकि अपन लोगों को यार एक लेटर मिला था और वो अपन को अपनी जो इन गेम मोम है उनको देना है। चलो घर पे आ गए। ओ इनको पता चल गया। अच्छा, ये अपन को कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रही हैं। ए लव लेटर, ये क्या मतलब है? अच्छा, एक रिक्वेस्ट टाइप में कुछ हो गया यार, इन्होंने बताया तो है नहीं। ये अपन को कुछ दे रही हैं आई थिंक सो। अच्छा, ये अपन को कपड़े चेंज करने के लिए कह रही हैं बार बार में। टाउन मैप मिला है अपन को, टाउन मैप गाइस अभी नहीं यूज़ करते, फिर जब ये यूज़ करने का टाइम आएगा तब कर लेंगे यार। ठीक है, अभी बाहर चलते हैं। ये अपन को कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रही हैं अपनी जर्नी के लिए। ओहो, तो अपन को रायहोन भी आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेसन ही बोल रहा है कि तुम्हारा सफ़र अच्छा हो, इस टाइप में कुछ। ओके ओके ओके, मतलब इस गेम के लाइनअप के हिसाब से अपन ने इस रायहोन को पाला है और अभी अपन लोग जर्नी पे जा रहे हैं, तो ये अपन को गुड लक बोल रहा है। तो अभी वापस से चलते हैं रूट 1 की तरफ। अब मेरे को नहीं पता इस सिटी का क्या नाम था, ये थोड़ी देर के लिए आया था और मेरे से प्रोनाउंस भी नहीं होगा अभी के लिए, तो इसे स्किप करते हैं। और अपन लोग आ चुके हैं रूट 2 पे, तो अपना पहला पोकेमोन बैटल होने जा रहा है यार वाइल्ड पोकेमोन के साथ। वैसे अपना पहला बैटल तो हो चुका है पर उसे बैटल में काउंट नहीं करेंगे। वैसे अपना वाइल्ड पोकेमोन सामने आया है पीजी, जो कि एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है, तो इतने इफेक्टिव तो नहीं होंगे अपने अटैक, पर भी इसको अच्छे डैमेज देंगे क्योंकि वो लेवल 3 का है और अपना फ्रोकी लेवल 6 का है यार। फाइट करेंगे अपन लोग बबल, अभी इसकी आधी से ज़्यादा एचपी चली जाएगी यार। गई है पीजी, तो गई इस बार गया। इसने भी यार काफ़ी अच्छा डैमेज दिया वैसे अपन लोग, तो ये ख़त्म है। चलो इसी के साथ अपना पहला वाइल्ड पोकेमोन के साथ बैटल अपन लोग जीत चुके हैं। अभी आगे चलते हैं गेम में। ओ ये दोनों सोना और सरीना यार इधर पे खड़ी हुई हैं। ओ अच्छा, इसका मतलब अपन ने जो निक नेम रखा था वो चारों अपन को उसी नाम से बुलाएंगे और बाकी जो लोग हैं वो अपन को जो मतलब गेमिंग सेशंस अरेना है उस नाम से बुलाएंगे। ये नूबड़ी अपन को पोकेमोन कैच करना सिखा रही है,
अगर तुम लोगों ने एनिमी देखी है और पहले गेम खेले हैं तो तुम लोगों को आता होगा, तो मैं इसीलिए ये पार्ट स्किप कर रहा हूँ। वो पोकेमोन पोकेबॉल के अंदर जा चुका है, तो ये अपन को पोकेबॉल भी दे रही है यार। ठीक है, समझ गया। अच्छा, ये वहीं बता रही है कि अगर तुमको कोई पोकेमोन मिले तो उसको तुम पोकेबॉल फेंक कर पकड़ सकते हो। अब तो वो तो भाग चुकी है, तो अभी अपन लोग आगे चलते हैं। तो अपन लोगों को इस वीडियो को इधर पे एंड कर देना चाहिए, क्योंकि अभी ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे। तो अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और पार्ट 2 जल्दी आएगा। अगर तुम्हें और भी जल्दी चाहिए तो कमेंट कर देना पार्ट 2 के लिए।